हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 2024-25 के इनकम टैक्स रिफंड बहुत सारे लोगों की फेल हो जा रही है, उनके बैंक अकाउंट में रिफंड आ ही नहीं रहा है। तो आप ऑनलाइन कैसे रिफंड को रीइशू करने का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, रिफंड की जो जनरल प्रोसेस होती है कि जैसे कि आपने अपनी ITR को प्रिपेयर करी, इसके बाद आप अपनी ITR को जब सबमिट करने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको ITR को ई वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। ITR को आप ऑनलाइन भी ई वेरीफाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो जनरली ITR को सबमिट करने से पहले आप चाहे तो ITR को तुरंत ई वेरीफाई कर ले, या फिर आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, ऑनलाइन आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप ITR को ऑफलाइन मोड में CPC बेंगलोर यूनिट को आप अपने ITR की कॉपी को प्रिंट आउट निकाल के आप वहां भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी ITR वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद आपकी जो ITR ये CPC बैंगलोर यूनिट को सेंड कर दी जाती है प्रोसेसिंग के लिए। और दोस्तों, जैसे ही आपकी ITR में जो भी इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है, जब वो ITR आपकी प्रोसेस होती है, मान लीजिए कि आप अपने ITR में रिफंड आपका बन रहा था और आपकी ITR प्रोसेस होती है रिफंड के साथ, तो आपको कुछ इस तरीके से रिफंड का मैसेज भी मिलता है सेक्शन 143(1) में कि आपका असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए इतने अमाउंट का रिफंड बना है। लेकिन दोस्तों, ये इंटीमेशन तो आपको मिलता है, लेकिन रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। आपको कुछ दो तरीके के यहां पे मैसेज रिसीव हो जाते हैं। पहला मैसेज जो होता है, ये होता है नोटिस सेक्शन 245 का, जिसमें कि आपको बोला जाता है कि आपका ये जो रिफंड बना है असेसमेंट ईयर 24-25 का, इसको हम होल्ड पे रख रहे हैं। अब होल्ड पे रखने का दोस्तों मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको 245 की नोटिस मिली है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका किसी प्रीवियस असेसमेंट ईयर का कोई डिमांड की लाइबिलिटी थी जो कि आपने पे नहीं की, तो आपका यदि करेंट ईयर में रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट इस रिफंड को होल्ड कर सकता है और इस अमाउंट में से इसको एडजस्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में ये अमाउंट जो रिफंड का है, ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो रिफंड को बैंक अकाउंट में ना आने का दूसरा रीजन ये होता है कि आपको जो है मैसेज मिल जाता है कि आपकी जो रिफंड है वो फेल हो चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपका रिफंड फेल हो चुका है तो आपको इस तरीके का ईमेल रिसीव होगा जिसमें कि लिखा रहेगा योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज रेज अ रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट। तो यहां पे लिखा हुआ है कि आपका रिफंड फेल हो चुका है और आपको फिर से रिफंड को रीइश्यू करने का रिक्वेस्ट फिर से आपको पोर्टल पे जाके डालना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये मेल रिसीव होता है तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये रिफंड हमारा फेल क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। तो दोस्तों, आप इसी मेल को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको यहां पे देखिए रीजन मेंशन रहेगा, पैन इज नॉट लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट। तो देखिए, ये इनकम टैक्स पोर्टल का अपना सॉफ्टवेयर है और ये कॉमन रीजन बस यही ढूंढता है कि पैन जो है लिंक नहीं है, IFSC कोड जो है मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में KYC आपने अपडेट कराया और आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट नहीं किया, तो उस केस में आपकी रिफंड जो है फेल होती है। तो आपको कॉमन यहां पे मैसेज यही मिलता है कि आपका पैन बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि कई बार लोग जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं बैंक अकाउंट का, तो उस टाइम पे वो IFSC कोड गलत डाल रहे होते हैं या फिर बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है। कई बार जो होता है, प्राइमरी बैंक अकाउंट उनकी होती है, सिंगल अकाउंट होते हैं, उसको ज्वाइंट वाले अकाउंट पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से कि आपका जो रिफंड होता है वो फेल हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपका बैंक पैन अकाउंट से लिंक्ड है तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलना है और वहां पे पूरी डिटेल्स आपको चेक करनी है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे पोर्टल पे जो है अपने रिफंड का स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। तो जब आप आएंगे तो यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आपको आना है, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आप आएंगे दोस्तों, यहां पे जो भी आपकी ITR होगी, अब यहां पे जो है आपकी ITR लेट सपोज आपने ई वेरीफाई अपने कर दिया, ठीक है। ई वेरीफाई करने के बाद जब ये प्रोसेसिंग के लिए दोस्तों जाएगा, उसके बाद या तो आपका रिफंड यहां पे मेंशन रहेगा कि योर ITR प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू लिखा रहेगा, या फिर ITR प्रोसेस विथ डिमांड लिखा रहेगा, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं। लेकिन यहां पे हम इस वीडियो में डिस्कस करें कि आपकी ITR प्रोसेस तो हो ही रिफंड के साथ, लेकिन दोस्तों यहां पे
रिफंड का जो पेमेंट है वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू डिटेल्स में लिखा हुआ है कि आपका रिफंड जो है फेल हो चुका है। अब इस केस में आपको दो काम यहाँ पे करना है, एक तो अपना रिफंड स्टेटस चेक करना है और दूसरा आपको सबमिट रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना है। तो आप रिफंड स्टेटस पे यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अपना यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या स्टेटस बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे फाउंड नहीं है रिफंड का, इसलिए क्योंकि रिफंड रीइश्यू किया ही नहीं गया है। क्योंकि हमारा रिफंड जो है वो फेल हो चुका है। यदि हमारा रिफंड यहाँ पे सक्सेसफुल इशू हो चुका होता है तो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल मेंशन होती है, बैंक का UTRN नंबर मेंशन होता है और यहाँ पे डेट मेंशन होता है कि इस डेट को रिफंड इशू किया गया है। देखिए बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारी ITR प्रोसेस हो जा रही है, हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जा रहा है लेकिन हमारे ईमेल आईडी पे कोई भी अटैचमेंट सेक्शन 143(1) का रिसीव नहीं हो रहा है और पोर्टल पे भी हमको ITR प्रोसेसिंग की स्टेटस नहीं दिख रही है। तो दोस्तों इस असेसमेंट 2425 में इस तरीके की सिनेरियो हो रही है, जैसे कि आपने भी देखा कुछ देर पहले कि रिफंड जो है फेल बता रहा है लेकिन ITR की प्रोसेसिंग नहीं दिख रही है। ठीक है, अब वो ITR प्रोसेस हुई होगी तभी रिफंड फेलियर का नोटिस मिला है उनको। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सिचुएशन और है कि यहाँ पर देखिए ITR प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू यहाँ पे मेंशन किया गया है लेकिन ये रिफंड जो है फेल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कई कैटेगरी के आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे ITR प्रोसेसिंग का, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। कई बार क्या होता है पोर्टल पे जो है प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेट अपडेट हो रही है मेल आईडी पे और मैसेज आपको पहले मिल जा रहा है प्रोसेसिंग का। लेकिन दोस्तों इस केस में क्या हो रहा है, रिफंड के साथ ITR प्रोसेस हुई और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट फेल हो गया और यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बैंक में हमें किस तरीके से रीवैलिडेट करना है बैंक को, उसके बाद ही दोस्तों रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों बैंक को प्री वैलिडेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये श्योर हो जाना है कि आपका बैंक अकाउंट में सारी डिटेल्स आपकी सही है। यदि उसमें कोई गलती है तो सबसे पहले तो आप जाकर के बैंक के डिटेल्स को आप सही करा लें, KYC वगैरह अपडेट करा लें। KYC आपने पहले से अपडेट करा रखा है लेकिन यहाँ पे आपने बैंक को फिर से रीवैलिडेट नहीं किया तो आपको फिर से यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पे माई प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं माई बैंक अकाउंट आपको मेंशन किया है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके जो भी बैंक होंगे पहले से जो बैंक आपके एडेड होंगे वो बैंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि हम इस बैंक को ओपन करते हैं आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आपको रीवैलिडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब चेक कर लेना है और यहाँ पर आपको सेविंग बैंक जो भी आपका अकाउंट टाइप हो, सेविंग हो करेंट हो, वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका सिंगल अकाउंट है या ज्वाइंट अकाउंट है। ठीक है, और यहां पर आपको नॉमिनेट दिस बैंक फॉर रिफंड पे आपको क्लिक करना है, देन आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगी जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने वैलिडेट किया यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स अपडेट हो चुकी है, वैलिडेटेड हो चुका है, एलिजिबल फॉर रिफंड हो चुका है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीजें यहाँ पर अपडेट हो चुके, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड भी यहां पे चेक हो चुका है। अब क्या होगा, ये हमने सारी डिटेल्स अपनी सही कर ली, अब हम क्या करेंगे रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट ऑनलाइन हम सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हमारे इस बैंक में कोई इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा बैंक भी यहां पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड बैंक अकाउंट पे जाकर के आप दूसरा बैंक अकाउंट भी, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आप इंटर करने के बाद दूसरे बैंक अकाउंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अब हम रिफंड को रीइश्यू करने का रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहां पे देख सकते हैं रिफंड रीइश्यू का सेक्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहां पे क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पे आपको जाना है। देख सकते हैं कि यहां पर आपको पहले से मैसेज आ चुका है, जो नोटिस अभी हमने आपको दिखाई थी दोस्तों यहां पर इस नोटिस के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, इस नोटिस के अगेंस्ट में ऑलरेडी पोर्टल पे जो है आपका रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट का जो है यहां पे
अपडेट हो चुका है। आपको सिंपली एक्नॉलेजमेंट नंबर इसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बैंक भी हमारा क्या हो चुका है, अपडेटेड हो चुका है। जैसे ही हमने यहाँ पे बैंक को रीवैलिडेट किया, ये हमारी बैंक यहाँ पे अपडेट होके आ चुकी है। यदि आपको कोई दूसरा बैंक होगा तो उसको भी वो भी बैंक यहाँ पे शो करेगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक बैंक अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस बैंक को सेलेक्ट कर दिया। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको तुरंत ओटीपी के लिए बोलेगा, तो आप आधार ओटीपी पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको एग्री टू आधार देन जनरेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगी, वो एंटर करके आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। और देखते हैं यहाँ पे हमारा रिफंड रीइश्यू का जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। और यहाँ पे यदि आपको चेक करना है इसका स्टेटस, तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कि होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।